रहमान रहीम वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड अवर टॉपिक ऑफ मनी सप्लाई बट अप अपट दिस पॉइंट वी हैव स्टडीड दैट देयर इज ऑलवेज अ मल्टीपल डिपॉजिट क्रिएशन दैट इज इफ सेंट्रल बैंक इंक्रीजेस रिजर्व थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन देन मनी सप्लाई विल बी इन मल्टीपल ऑफ दैट चेंज इन रिजर्व एक बिलियन का रिजर्व इंक्रीज हुआ है तो मनी सप्लाई एक बिलियन से ज्यादा की इंक्रीज होगी अब कितनी होगी यह फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कितनी लोग करेंसी होल्ड करते हैं कितनी एक्सेस रिजर्व होल्ड करते हैं कितना सेंट्रल बैंक ने रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो रखा हुआ है इन सब पे यह डिपेंड करेगा तो अब हम मनी मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट जाते हैं मनी मल्टीप्लायर का यह कॉन्सेप्ट है जो आप सीख चुके हैं एक्चुअली कि मनी मल्टीप्लाई होती है जो सेंट्रल बैंक मॉनिटरी बेस की फॉर्म में मनी इशू करता है वो पब्लिक के पास जो डिपॉजिट और करेंसी की फॉर्म में स्पेशली डिपॉजिट में करेंसी तो उसमें जस्ट ऐड होती है तो डिपॉजिट की फॉर्म में मल्टीप्लाई हो जाती है जब मल्टीप्लाई होती है तो सवाल होगा कि कितना मल्टीप्लाई होती है वो जो नंबर जिससे मल्टीप्लाई होती है उसे मनी मल्टीप्लायर कहेंगे तो अब हम मनी मल्टीप्लायर की तरफ जाते हैं और इसका भी हम फार्मूला डिराइव करेंगे और डेरिवेशन में कुछ इक्वेशन यूज होती हैं लेकिन बिल्कुल सिंपल सी इक्वेशन है अगर आप उसको तवज्जो से समझे तो और वो ये है कि पहले हम मनी मल्टीप्लायर को डिफाइन अगर करें तो वो क्या बनेगा हाउ मच द मनी सप्लाई चेंजेस फॉर अ गिवन चेंज इन मॉनिटरी बेस वही बात कि मॉनिटरी बेस चेंज हो गई तो टोटल मनी कितनी चेंज होगी किस रेशो से वो मल्टीपल जो है वो मनी मल्टीप्लायर है इसका मतलब ये है कि व्हाट मल्टीपल ऑफ द मॉनिट्री बेस

मनी इट मल्टीप्लाईज बाई एम टू गेट वैल्यू ऑफ टोटल मनी सप्लाई तो वो जो मल्टीपल की हम बात कर रहे हैं, वो ये है। इसी को हम कर रहे हैं और यह लेक्चर इसी एम के ऊपर है मल्टीप्लाई अब अगर हमें इसका फार्मूला डिराइव करना है तो डेरिवेशन का तरीका यह है कि वो जो इक्वेशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उन्हीं को हम एक से दूसरे में सब्स्टिट्यूट करके डेरिवेशन करेंगे सबसे पहले हम कहते हैं कि हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि पब्लिक कितनी करेंसी होल्ड करती है कितना डिपॉजिट होल्ड करती है तो इसका मतलब है पब्लिक का एक होता है ratio, उसको हम डिनोट करें इसी तरीके से इस सारे प्रोसेस में कमर्शियल बैंक का एक डिसीजन होता है कि वो एक्सेस रिजर्व कितने होल्ड करे उसको भी हम एक्सेस रिजर्व टू डिपॉजिट रेशो में लेते हैं और उसको स्मॉल या लोअर केस लेटर ई से डिनोट करें दूसरी तरफ हमें यह पता है कि जो टोटल रिजर्व होते हैं वो रिक्वायर्ड रिजर्व प्लस एक्सेस रिजर्व होते हैं ठीक हो गया तो अब जो रिक्वायर्ड रिजर्व हैं वो रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो मल्टीप्लाइड बाय डी के इक्वल होते हैं तो इसका मतलब है टोटल रिजर्व में एक तो हो जाएगा रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो मल्टीप्लाई बाई डी प्लस एक्सेस रिजर्व्स यहां से एक चीज क्लियर हो रही है कि अगर आप इस सेकंड लास्ट इक्वेशन में एक्सेस रिजर्व्स को जीरो कर लें जैसा कि हमने पिछले केस में किया था एग्जाम्पल में या नहीं कर रहे पिछली एग्जाम्पल में था लेकिन अगर समझाने के लिए यहां पर आपको पता है आर आर इज ऑलवेज लेस देन रिक्वायर्ड रिजर्व तो ये इक्वेशन बता रही है कि आर इज इक्वल टू फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट इसका मतलब ये है कि डिपॉजिट्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन रिजर्व ये बात क्लियर हो गई लेकिन हमें यह तो ऐसे एक पॉइंट बीच में आ गया हमें मनी मल्टीप्लायर के फार्मूला तक पहुंचना है अब हम डेफिनेशन डेफिनेशन यूज करते हैं बेस बेस की की जो है है वो टोटल प्लस करेंसी तो इसका मतलब है मॉनिटरी बेस के अंदर आ जाएगा रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो मल्टीप्लाइड बाई डिपॉजिट प्लस एक्सेस रिजर्व प्लस करेंसी तो इसका मतलब है फाइनली जो मॉनिटरी बेस बन गई वो हो गया रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो मल्टीप्लाई बाय डिपॉजिट प्लस एक्सेस रिजर्व्स टू डिपॉजिट रेशो मल्टीप्लाइड बाय डिपॉजिट प्लस करेंसी टू डिपॉजिट रेशो मल्टीप्लाइड बाय डिपॉजिट अगर आप देखें तो इसमें से हर टर्म के अंदर डी आ रहा है तो हम उसे कॉमन ले सकते हैं जब उसे कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मॉनिटरी बेस इज इक्वल टू रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो प्लस एक्सेस रिजर्व रेशो प्लस करेंसी टू डिपॉजिट रेशो मल्टीप्लाइड बाय Deposit. अब चूंकि हमने कहा था कि मनी जो मल्टीप्लायर है उसमें बेस से वो मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास टोटल मनी आती है तो इसलिए हम यहां से डिपॉजिट की वैल्यू निकाल लेते हैं ताकि मॉनिट्री बेस दूसरी साइड पे चला जाए तो यहां से हमारे पास जो डिपॉजिट्स की वैल्यू आई वो आई वन ओवर आर आर प्लस ई प्लस इन टू मॉनिटरी बेस लेकिन हमने डिपॉजिट्स तक नहीं पहुंचना था हमने पहुंचना था मनी तक और मनी की डेफिनेशन होती है करेंसी प्लस डिपॉजिट तो डिपॉजिट्स का फार्मूला हमने डिराइव कर लिया अगर हम इसमें करेंसी ऐड कर दें देन वी विल गेट टोटल मनी सप्लाई वो आ गया मनी इज इक्वल टू डिपॉजिट प्लस करेंसी डिपॉजिट की वैल्यू हमें पता है अभी फार्मूला डिराइव किया है और जो करेंसी है उसको हम कह सकते हैं कि ये करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो मल्टीप्लाइड बाय डिपॉजिट होता है तो टोटल मनी सप्लाई हो जाएगा 1 c d अब चूंकि डी का फार्मूला हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके थे वो यहां हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो हमारे पास जो फाइनल मनी का फार्मूला आ गया वो आ गया वन डिपॉजिट रेशो सी डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो प्लस एक्सेस रिजर्व टू डिपॉजिट रेशो प्लस करेंसी टू डिपॉजिट रेशो मल्टीप्लाइड बाय मॉनेटरी बेस अब ये जो एम है ये मनी सप्लाई है एम बी जो है वो मॉनेटरी बेस है उसके दरमियान ये जो रेशो फॉर्म में लिखा हुआ है ये मनी मल्टीप्लायर है एम M, स्मॉल M. हो गया मनी मल्टीप्लायर तो मनी मल्टीप्लायर जो है वो किससे सेट होता है फंक्शन ऑफ करेंसी रेशो यानी कि ये उसका फंक्शन बन गया मनी मल्टीप्लायर करेंसी रेशो का और करेंसी रेशो कौन सेट करता है पब्लिक ये एक्सेस रिजर्व रेशो का फंक्शन हो गया एक्सेस रिजर्व रेशो किसका डिसीजन है कमर्शियल बैंक का और फिर मनी मल्टीप्लायर आर आर पे डिपेंडेंट है रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो ये कौन सेट करता है सेंट्रल बैंक इसका मतलब है मनी सप्लाई प्रोसेस में जो मनी मल्टीप्लाई करने के लिए मनी मल्टीप्लायर है वो तीनों प्लेयर्स के डिसीजन से डिटरमिन होता है सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक और जनरल पब्लिक थैंक यू